फर्जीवाड़ा का इतना बम्बार लगा हुआ है कि के पाठक का तबादला हो गया। के पाठक का तबादला हुआ तो जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। इतना शिक्षा विभाग जो है और वो बीपीएससी इस सब में जो है ना दाल में कुछ काला है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, के पाठक के रहते हुए दाल में काला, एकदम दाल में काला हुआ है मैम। के पाठक के जाने से खुश है आप? हाँ, हीरो नहीं मानती है के पाठक को। क्या सुधार का काम किया है शिक्षा विभाग मैम? किए होंगे जहाँ भी किए होंगे, पर हम लोग किए होंगे हम लोगों के लिए हित में तो नहीं किए हैं, हम लोग कैसे कह सकते हैं। मैंने एक मुहावरा कहा था कि हड़बड़ी में कनपट्टी में सिंदूर देने वाली कहावत कहा था, वो उन्होंने बीपीएससी टीआरई वन और टीआरई टू में किया। न शिक्षक खुश, न छात्र खुश, न शिक्षक अभ्यर्थी खुश, न अभिभावक खुश, तो मुख्यमंत्री जी कैसे खुश रहते। मुख्यमंत्री तो नाराज होना स्वाभाविक था, लाजमी था, और नाराज हुए और उन पर कार्रवाई हुई, उनको विभाग से छुट्टी में ही छुट्टी दे दी गई। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन बड़ी खबर के पाठक से जुड़ी हुई आई, और आपको मालूम है कि अब शिक्षा विभाग से के पाठक की छुट्टी हो गई है, यानी कि छुट्टी पर रहते हुए के पाठक का तबादला हो गया है, यानी कि अब आपको के पाठक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नजर आएंगे। तो देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम यूथ हॉस्टल में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहां पर बड़ी मीटिंग चल रही है, शिक्षकों की, शिक्षक अभ्यर्थियों की बड़ी मीटिंग चल रही है। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए शिक्षक नेता अमित विक्रम है। अमित, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, बीती रात बड़ी खबर के पाठक से जुड़ी हुई आई, शिक्षा विभाग से के पाठक की छुट्टी हो गई है, तबादला कर दिया गया है, पहली प्रतिक्रिया क्या आई मन में? अभी बहुत दिनों से हम लोगों की मांग थी जी। जिस तरीके से विभाग में गड़बड़ियां हो रही थी, जिस तरीके से घोटाले हो रहे थे और उन पर वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो ये बार बार संदेह मन में था, उनकी ही निगरानी में, उनकी ही एक तरह के समन्वय से वो सब कुछ घोटाला चल रहा था। अच्छा। चाहे वो डेस्क बेंच हो, समरसेबुल हो, आप जो देख रहे होंगे कि जो खुदाई होती थी समरसेबुल के लिए वो 200-250 फीट के बदले 100 फीट हो रही थी। डेस्क बेंच जो 5000 जिसका भुगतान किया जा रहा है वो 1.5 से 2 हजार का था। और तो और जो शिक्षक भर्ती में जो धांधली हुई, आपको याद होगा वो विवाद जब बीपीएससी के चेयरमैन और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग में पत्राचार हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, और बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से कराए ज्वाइनिंग बांट दी गई, जिसका परिणाम आज आप ये बैठक देख रहे हैं। आज जो इतने अभ्यर्थी आए हैं के पाठक की गलत नीतियों की वजह से यहाँ पहुंचे, के पाठक की गलत नीतियों, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जाकर के वो कह रहे हैं कि अन्य राज्य की महिलाओं को दिव्यांगों का आरक्षण का लाभ नहीं देना है। जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, जिस वक्त फॉर्म भरा जा रहा था, उस समय शिक्षा विभाग ने यह सर्कुलर क्यों नहीं निकाला? आज जो इतने अयोग्य अभ्यर्थी बीपीएससी से चयनित होकर के शिक्षा विभाग में आ गए, और हमारे बिहार के अयोग्य शिक्षक भाई बंधु जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो बेरोजगार रह गए, ये सब किसकी गलती थी? ये सब के पाठक की गलती थी, ये सब के पाठक की गलती, बिल्कुल उनकी गलती थी। और आज वो चले गए हैं, तो एक तरह से कहिए कि न्याय मिलने की दिशा में एक सुखद शुरुआत हुई है। न्याय मिला है, बिल्कुल। आप समझ रहे हैं ना कि शिक्षा विभाग में अब नहीं होंगे के पाठक, क्या असर पड़ेगा? शिक्षा विभाग का बेड़ा गर्क उन्होंने एक साल में करके रखा। अच्छा, बिल्कुल। के पाठक तो हीरो है ना? के पाठक एक अपनी ब्रांडिंग करवा करके वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके समय में शिक्षा विभाग में जितनी अनियमितताएं हुई हैं, जितना भ्रष्टाचार हुआ है, किसी अन्य विभाग में नहीं हुआ या कभी शिक्षा विभाग में आज तक नहीं हुआ था। इतनी बहालियां हुई, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बिहार से बाहर की महिलाओं को आरक्षण का लाभ दे दिया गया, कभी ऐसा नहीं होता था। दिव्यांग भाई बहन बिहार के बेरोजगार रह गए, अन्य राज्य के दिव्यांगों की नौकरी हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्यूटर साइंस में मिलान नहीं हुआ, जिसके पास पीजीडी सीए एमसीए डिग्री नहीं उन लोग को नौकरी हो गई। अमित, आप तो अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं। जैसे ही पता चला के पाठक का तबादला हो गया, तो दिल की कोई मुराद तो पूरी नहीं ना हो गई है? लड्डू वड्डू तो नहीं ना चढ़ा दिया है? दिल की मुराद नहीं पूरी हुई है, बल्कि बिहार के 6 लाख शिक्षकों, 1.5 करोड़ बच्चों और लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को इंसाफ मिलने की दिशा में ये पहला कदम है। अच्छा। आपने देखा होगा पिछले सप्ताह बच्चे लू से तड़प तड़प के मर रहे थे,
बीमार हो रहे थे, उल्टियां हो रही थी, दस्त हो रहे थे, शिक्षक बेहोश हो रहे थे, लेकिन ये के पाठक साहब विद्यालय नहीं बंद कर रहे थे। वो तो भला हो कि नए एसीएस महोदय आए और इन्होंने एकदम विवेक से सही निर्णय लेते हुए स्कूल को बंद किया। और शिक्षकों की आप तारीफ कर रहे हैं इस सिद्धार्थ की? बिल्कुल तारीफ कर रहे हैं। जो मानवीय कई आदेश पलट दिया है उन्होंने आते ही, जो भी गलत आदेश होगा उसको पलटा जाएगा और पलट रही है सरकार। सरकार खुद साबित कर, कोई और आदेश ऐसा बचा हुआ है हमें जो आप लोग चाहते हैं कि आप तो पलट ही दीजिए? बिल्कुल, देखिए सबके हित के लिए है कि जो छुट्टी का लिस्ट है उसका संशोधन हो। ये जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ आज इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, इनकी समस्या का समाधान सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में। बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जिन शिक्षकों को नौकरी दी गई, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो और जल्दी से हो। ये के पाठक साहब जो इतने महीनों से बैठे रहे, 8 महीने 9 महीने हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वेतन भुगतान कर दिया लाखों रुपए, इस सब पे रोक लगे। और ये बहाली का जो मुद्दा इतना उलझा हुआ है, जटिल बना हुआ है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा। बीपीएससी के पास जाइए तो वो कहती है शिक्षा विभाग के पास जाइए, शिक्षा विभाग के पास जाइए तो कहता है हमने तो नियम जारी कर दिया, बीपीएससी जाने, जिला स्तर के पदाधिकारी जाने। तो इस तरह का जो रवैया है इस पर रोक लगाने की जरूरत है। शिक्षा विभाग में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जो बहाली हुई है वो बहाली सही से हो, विद्यालय में पढ़ाई सही से हो, बच्चों को गर्मी छुट्टी तो खैर अब खत्म ही हो गई लेकिन पर्व त्योहार में सही से छुट्टी मिले, विद्यालय सही समय सारणी से चले, शिक्षकों का भया दोहन नहीं हो, उनसे पैसे ठगने ऐठने वाले जो निचले स्तर के कुछ कर्मचारी बहाल हुए एजेंसी से उनको हटाया जाए, ठेके पर बहाली की प्रथा खत्म हो, पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो पूरी लिस्ट है, डेस्क बेंच समर सेबुल FLN किट सब में जो घोटाला हुआ है उस सब की जांच हो। और पिछले एक साल के कार्यकाल में उन्होंने जितने डिसीजन लिए हैं, एक भी डिसीजन से कोई भी पक्ष खुश नहीं। क्या बात कर रहे हैं, एक भी फैसला के पाठक का जायज फैसला, एक भी जायज? आप देखिए ना, शिक्षक बहाली का बहुत क्रेडिट स्कूल में कहां आते थे शिक्षक, टाइम पर, अब टाइम पर आने लगे हैं, बच्चों का अटेंडेंस आप, मैं बता रहा हूं, फिर भी ऐसी बात जी, मैं सब कड़ी दर कड़ी आपको समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले उनका बड़ी बड़ाई हुई कि शिक्षक बहाली वो किए, बहुत जल्दी किए, आज जल्दी में क्या गड़बड़ी की उसका परिणाम देख लीजिए। अच्छा, इनसे भी हम बात करेंगे, पूछिएगा, एक शिक्षक अभ्यर्थियों की बात होगी, शिक्षकों की बेवजह छुट्टी कटौती, पूरे गर्मी छुट्टी में 1 घंटा आइए 2 घंटा आइए बैठा करके टाइम बर्बाद, छात्रों का जीवन नर्क कर दिया गर्मी में, छात्रों का जीवन नर्क कर दिया, तो हीरो मर गए, जो बच्चे लू से मर गए, जो ठंड से मर गए, उनका उनका जिम्मेदार कौन है? ठंड में भी यही दिक्कत हुई थी, बच्चे ठंड से मर रहे थे, अल्लू में भी मर गए बच्चे, इसका जिम्मेदार कौन है? छुट्टियां आपने बच्चों को पर्व त्योहार में उनका छुट्टी खत्म कर दिया, रक्षाबंधन में बच्चे आपने कहा कि स्कूल आइए, कितने बच्चे स्कूल आ रहे थे आप सबने देखा होगा। तो ये कोई भी, अच्छा नाम काटने का जो इन्होंने सिस्टम ले आया, 3 दिन नहीं आया बच्चा का नाम कटिए, शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन था, नए एसीएस सर आए उन्होंने नियम एकदम साफ साफ क्लियर कर दिया कि 3 दिन नहीं आएगा तो नाम नहीं काटना है उसका, नाम तभी कटेगा जब वो पोषक क्षेत्र से बाहर चला जाए। बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, बीपीएससी TRE 3.0 क्या लगता है, के पाठक अब नहीं है, क्या लगता है लटक जाएगी क्या? बीपीएससी 3.0 जो है अब साफ सुथरी होगी। क्या बात कर रहे हैं, के पाठक के रहते बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में बहुत घपलेबाजी हुई, के पाठक के रहते हुए घपलेबाजी, बिल्कुल उनकी जल्दबाजी। अच्छा। मैंने उस समय भी कहा था, याद कीजिए, जल्दबाजी से घपले, मैंने एक मुहावरा कहा था कि हड़बड़ी में कनपट्टी में सिंदूर देने वाली कहावत कहा था, वो उन्होंने बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में किया, गलत लोगों की बहाली कर दी, आरक्षण का गलत लाभ दे दिया, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं किया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, कंप्यूटर साइंस में 2019 में स्टेट हुई और MCA पूरा हो रहा है 22 में, उसको भी ज्वाइनिंग दे दिया गया, यानी कि शिक्षकों ने अपना बदला ले लिया क्या? देखिए शिक्षकों ने बदला नहीं लिया, उन्होंने अपने कर्मों का फल भुगत लिया, उन्होंने अपने कर्मों का फल भुगत लिया है। चलिए एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है नीतीश कुमार के चहेते कहे जाते हैं के पाठक, क्या लगता है नीतीश कुमार भी नाराज? देखिए जब बिहार की जनता, बिहार के शिक्षक, बिहार के बच्चे, बिहार के युवा सब नाराज रहेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री खुश रहेंगे क्या? वो तो हमारे प्रतिनिधि है ना, जब वो देख रहे हैं कि बिहार में एक व्यक्ति उनसे खुश नहीं था, न शिक्षक खुश, न छात्र खुश, न शिक्षक अभ्यर्थी खुश, न अभिभावक खुश, तो मुख्यमंत्री जी कैसे खुश रहते? मुख्यमंत्री जी तो नाराज होना स्वाभाविक था, लाजमी था, और नाराज हुए और उन पर कार्रवाई हुई, उनको विभाग से छुट्टी में ही छुट्टी दे दी गई, छुट्टी में ही छुट्टी, बिल्कुल बिल्कुल, बेरंग विदाई हो गई उनकी, बेरंग विदाई हो गई। वो जो जगह जगह घूम के फूल फूल की वर्षा करवाते थे ना, खूब सेल्फी लेते जी, विदाई में एक फूल भी उनको नहीं भेंट किया किसी ने।
उनकी बात उनकी अनुपस्थिति में उनका जो बोर्ड था एसीएस का उसको कबाड़ के फेंक दिया गया, कबाड़ के बोर्ड फेंक दिया गया डस्टबिन में। सोचिए अच्छा, शिक्षा विभाग याद नहीं करेगा? शिक्षा विभाग उनसे त्रस्त था। अच्छा। पूरे विभाग को, विभागीय पदाधिकारियों को, कर्मियों को उन्होंने परेशान कर रखा था। उनके जाने से शिक्षा विभाग ने राहत की सांस ली। क्या हुआ है, आप भी खुश लग रही हैं, साथ में परेशान भी लग रही हैं, दुखी हैं क्या के पाठक के जाने से? नहीं मैम, दुखी नहीं है, बिल्कुल हम खुशी है, क्योंकि के पाठक के जाने से खुश है आप? हाँ, हीरो नहीं मानती है के पाठक को? क्या सुधार का काम किया है शिक्षा विभाग मैम? किए होंगे, जहाँ भी किए होंगे, पर हम लोग किए होंगे, हम लोगों के लिए हित में तो नहीं किए हैं, हम लोग कैसे कह सकते हैं? हम लोग योग्य होते हुए भी अयोग्य ठहराए गए हैं, बस डेट ऑफ बर्थ की वजह से नहीं हुआ है। मतलब जो जिसका नहीं है उसका हो रहा है, हम लोग कुछ है ही नहीं, तो क्या ही कह सकते हैं उनके बारे में? क्या ही कह सकते हैं उनके बारे में? जी मैम, बहुत बमकी हुई है, बहुत उम्मीद है कि मतलब अब की बार कुछ अच्छा हो जाए, इसी उम्मीद से आए हैं। खुश तो इसलिए हैं क्योंकि मतलब अभी एक हम लोग को लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है। क्यों, के पाठक के जाने से पॉजिटिव हो रहा है? नहीं, क्या बात कर रही हैं? के पाठक के जाने से बहुत ज्यादा हम लोग को मतलब एक होता ना आत्म खुशी जो होता है वो मिल रही है, क्योंकि के पाठक के जाने से और के पाठक दोनों पूरा विभाग को बर्बाद करके रख दिया। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता है जिसमें बिना डीबी के रिजल्ट दिया जाता है। अतुल प्रसाद और के पाठक ने बर्बाद कर रख दिया, बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद कर दिया मैम। क्योंकि अगर कोई भी मतलब फाइनल रिजल्ट दिया जाता है कोई भी एग्जाम का, तो उसका रिजल्ट देने से पहले डीबी करवाया जाता है, और बिना डीबी के कोई भी रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया जाता। यहाँ पे पता नहीं है कि कौन 10th पास है, कौन 12th पास है, कौन इंटर पास नहीं किया है, या फिर सीटेट में फेल है, या कुछ भी, सीधा पीपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। और जो यहाँ पे जेन्युइन कैंडिडेट है वो अभी दर दर का भटक रहा दर दर, और अभी हम लोग देखिए कहाँ से फॉरबिसगंज से आए हुए हैं, पूरे रात नहीं सोए, ऐसी गर्मी में भूखी परेशान, बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैं भोजपुर से आया हूँ, और मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि जो TRE-1 का वैकेंसी उसमें एक नंबर से नहीं, EWS में हूँ, और मैं देख रहा हूँ पेपर के माध्यम से फर्जीवाड़ा का इतना बम्बार लगा हुआ है कि के पाठक का तबादला हो गया। के पाठक का तबादला, वो तो जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, कब पाएंगे? इतने लोगों जो बढ़िया काम किए हैं, बहुत खराब काम किए हैं, एक भी अच्छा काम नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? समाचार पत्र के माध्यम से उनका जो खराब काम किया हुआ है सारा पूरा का कुछ नहीं बांटे, पूरा का पूरा बिहार जो है, लग रहा है कि लड्डू नहीं, हम तो खुश हैं। वैसे अधिकारी जो ये पूरे शिक्षक बहाली को खत्म करके रख दिए, शिक्षक बहाली को खत्म करके रख दिए। क्या नाम है? अनिकेत कुमार। मैं वैसे क्या कह रहे हैं अनिकेत आप? मैं बोल रहा, मेरा कहना है कि TRE-1 में बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इतने सारे बच्चों को जॉब दे दिया गया, जबकि योग्य अभ्यर्थी के पाठक के रहते हुए, के पाठक रखते हुए, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। एक लड़की है जो 77 नंबर सीट में ला करके अभी जॉब करी है पटोरी ब्लॉक में समस्तीपुर के, मतलब आप सबूत भी रखे हुए हैं। OBC कैटेगरी मेरे मोबाइल में इसका प्रूफ भी है उसका। अच्छा, ये बताइए, कभी कभी शिक्षा विभाग गए, कभी के पाठक से मुलाकात हुई, वो कभी अपनी समस्या बताई? वो तो तानाशाह है के पाठक, तानाशाह है। हाँ, वो कभी किसी अभ्यर्थी से डर नहीं लग रहा है? किस बात का डर? बिहार से नहीं गए, शिक्षा विभाग से गए के पाठक। तो किस बात का डर? किस बात का डर? हाँ, सबूत रखे हुए? सबूत मेरे पास है। मेरा नाम अब्दुल समद हुआ, मैं मधुबनी से आया हूँ। मधुबनी से आए हैं इस कड़कड़ाते जी में। क्यों भाई? क्योंकि TRE-1 में मुझे 2 नंबर से छट गया, और TRE-2 में मेरा एक कट ऑफ से 1 नंबर ज्यादा है। अच्छा। मैं दिव्यांग कैटेगरी से आता हूँ, और मुझे बाहर कर दिया गया। बाहर कर दिया गया? जी जी। अच्छा। हाँ, वो यहाँ तक के वो शिक्षा विभाग जो है और वो BPSC इस सब में जो है ना दाल में कुछ काला है। हम लोगों क्या बात कर रहे हैं? के पाठक के रहते हुए दाल में काला, एकदम दाल में काला हुआ है मैम। मैं आपको पुख्ता सबूत, मेरे पास जो कट ऑफ मार्क है मेरे से 47 वाले का हुआ है, क्या समझ में मैम? हाँ, मेरा 48 है, मेरा क्यों नहीं हुआ? मैं भी दिव्यांग हूँ। के पाठक के रहते हुए ऐसा कहाँ होता है? अरे मैम, के पाठक अतुल प्रसाद के रहते हुए ही अभी जो छटनी स्टार्ट हुई है TRE-1 और TRE-2, आप भी देख सकते हैं, मैं भी देखा हूँ, वो देख सकते हैं कितने आयोग के अभ्यर्थी को शामिल किया गया। हम जैसे तो BPSC TRE-3.0 भी लाइन में है। हाँ, तो वो लाइन में है, बाकी उसमें क्या लग रहा है? के पाठक का तबादला हो गया है, कहीं लटक ना जाए BPSC TRE? अब लटक वो तो लटकना तय है, क्योंकि लटकना तय है, क्योंकि इतना अमित सर जो है हम लोगों के रहनुमा बन चुके हैं। कौन रहनुमा बन चुके हैं? अमित सर। अच्छा। हाँ, उनका जो मार्गदर्शन होगा हम लोग एकदम बखूबी से चलेंगे,
और वो जो है हम लोगों को सही दिशा और मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है शिक्षकों ने, क्या कुछ कहा है अभ्यर्थियों ने। देखिए बड़ी मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग क्यों हो रही है ये भी हमने आपको बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।